बिहार की जनता की नब्ज पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि यहां की जनता वादों और विकास के मुद्दे को शायद बाद में देखती है, पहले जाति राजनीति पर ध्यान देती है। बिहार के हर चुनाव में खेल जाति का होता है। जिस सीट पर जिस जाति की संख्या ज्यादा होगी, उस जाति के उम्मीदवार के जीतने की संभावना वहां बढ़ जाती है। हालांकि कुछ साल से इसकी तस्वीर बदली भी है, लेकिन राजनेता फिलहाल इसी जाति के गुणाभाग में लगे हुए। पहले चरण की 71 सीटें जाति समीकरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है और हर उम्मीदवार जाति विशेष को लुभाने में लगा हुआ है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि इन हॉट सीटों का जाति समीकरण है क्या। कहते हैं कि बिहार में चुनाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ चुनावी मुद्दा सिर्फ एक जुमला होता है। जनता से लेकर प्रत्याशी तक की जुबान पर चर्चा सिर्फ जात की होती है, किसके पाले में कौन सी जाति है और उस जाति का वोट प्रतिशत कितना है। इसी गुणागणित में सभी उम्मीदवार लगे रहते हैं और पार्टियां भी। वक्त आते ही जाति को साधने के लिए विशेष चेहरे को उम्मीदवार बना दिया जाता है और फिर कहीं ना कहीं उसी दिशा में प्रचार भी होता है। हालांकि दिखाने के लिए तमाम सारे वादे भी कर दिए जाते हैं मंच से। बिहार की हर सीट जातिगत वोट बैंक के लिए महत्व रखती है। इन्हीं सीटों में से कुछ खास सीटें हैं जिनमें जाति का कुछ ज्यादा ही महत्व है। अभी बात करते हैं ऐसी सीटों की। पहले आपको बताते हैं कि ये कौन कौन सी सीटें हैं जहां जाति का महत्व ज्यादा है। ये सीटें हैं भभुआ, आरा, दिनारा, तरारी, डेहरी, चैनपुर, शेरघाटी, रजौली, गोविंदपुर, जमालपुर, मुंगेर और बांका। ये सभी सीटें जातिगत वोटों के लिए जानी जाती हैं। पहले चरण में इन सभी सीटों पर पार्टियों का खास ध्यान है। अब जरा इन सीटों के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। अगर बात भभुआ के जाति समीकरण की करें तो इस सीट पर रविदास और ब्राह्मण वोटर अच्छी स्थिति में माने जाते हैं। हालांकि मुस्लिम, पासवान और यादव भी अहम भूमिका में रहते हैं। यहां सबसे अधिक वोटिंग 1995 के विधानसभा चुनाव में हुई। इस दौरान 65.2% वोट डाले गए। बबुआ सीट पर कुल वोटरों की संख्या 2,64,000 है, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 1,37,000 यानी करीब 52.17% है और महिला वोटरों की संख्या 1,25,000 यानी कि करीब 47.54% है। यहां पर ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। तरारी विधानसभा सीट आरा लोकसभा सीट का हिस्सा है। पहले इसे तीरो विधानसभा के नाम से जाना जाए। ये सीट 1951 में ही अस्तित्व में आ गई। पहले ही चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने यहां कब्जा जमाया, उसके बाद कांग्रेस ने वापसी। पिछले दो दशक की बात करें तो यह सीट जनता दल के इर्द गिर्द घूमती रही है। दो बार जेडीयू ने इस सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन पिछले चुनाव से इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी की भी नजर लगी हुई है। इस विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या 2.5 लाख के करीब, इनमें से करीब 75,000 से अधिक भूमिहार जाति के वोटर। यही वजह है कि अधिकतर राजनीतिक दल जाति समीकरण के हिसाब से उतारते हैं। यहां कुल 1,40,000 पुरुष वोटर, जबकि 1,20,000 से अधिक महिला वोटर। अब देखना होगा कि वे किसको चुनते हैं और किसको नकार देते हैं। दिनारा विधानसभा क्षेत्र यादव बहुल इलाका है, उसके बाद राजपूतों की संख्या यहां सबसे अधिक। राजेंद्र सिंह और जय कुमार सिंह दोनों ही राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में दिनारा में दो राजपूत प्रत्याशियों के बीच राजपूत वोट बढ़ता नजर आ रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह राजपूत जाति से ही आते हैं। इससे राजपूत मतों का एक हिस्सा आरजेडी के खाते में भी जाता दिख रहा है। साथ ही यादव मतदाता आरजेडी प्रत्याशी विजय मंडल के पाले में ही होंगे, ऐसा विश्लेषक मानते हैं। यादवों और राजपूतों के बाद कुशवाहा बिरादरी के मतदाताओं की संख्या इस सीट पर 22,000 के करीब है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 15,000 है। इनके अलावा वैश्य और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी मिलाने के बाद 40,000 वोट और हो जाते हैं। ऐसे में सारी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिहाज से तैयारियां कर रही हैं। हालांकि बीते चुनाव में आमने सामने दो राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले दावेदार ही लड़े थे, लेकिन इस बार अति पिछड़े वर्ग से आने वाले विजय मंडल बढ़त बनाते दिख रहे हैं। आखिरी फैसला तो हालांकि कल वोटिंग के बाद ही ईवीएम में बंद हो जाएगा। अब चलते हैं डेहरी विधानसभा सीट पर। इस सीट पर पासवान, यादव, मुस्लिम और कोयरी वोट निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं।
यादव मुस्लिम का गठजोड़ ही मोहम्मद इलियास को विजयी यहां पर बनाता रहा है। आरजेडी एक बार फिर से उसी समीकरण को साधने की कोशिश में लगी हुई है। 1967 में यहां सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हुई थी। अब तक यहां हर बार पुरुषों का वोट प्रतिशत महिलाओं के मुकाबले ज्यादा रहा है। इस बार क्या रहेगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। चैनपुर विधानसभा सीट पर 2015 में भी जनता ने ब्रजकिशोर बिंद को चुना था। 28 अक्टूबर को एक बार फिर से चैनपुर के मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बसपा ने भी अपना उम्मीदवार यहां पर उतारा है। बसपा की तरफ से मोहम्मद जमा खान मैदान में। चैनपुर विधानसभा सीट का गठन भी 1951 में हुआ था। इस सीट पर अब तक 15 बार हुए चुनावों में सबसे ज्यादा 5 बार भाजपा ने जीत हासिल की। 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां मुकाबला काफी रोचक रहा था। तब चैनपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ब्रजकिशोर बिंद और बहुजन समाज पार्टी के जमा खान में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। 2015 में ब्रजकिशोर बिंद को 58,913 वोट मिले थे, जबकि बसपा के उम्मीदवार जमा खान को 58,242 वोट मिले, यानी कि जीत हार का अंतर महज 671 वोट। भाजपा को इतने नजदीकी अंतर से ये सीट हासिल हुई। जातियों की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर रविदास, मुस्लिम और यादवों की संख्या अधिक है, जबकि ब्राह्मण, कुर्मी, कोयरी और राजपूत भी निर्णायक भूमिका निभा देते हैं। इस सीट पर कुल 3,05,000 मतदाता है। बढ़ते हैं बिहार की एक और महत्वपूर्ण सीट की तरफ, शेरघाटी विधानसभा सीट। ये सीट गया जिले में है। यहां पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मौजूदा समय में यहां से जेडीयू के विनोद प्रसाद यादव विधायक हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू के विनोद प्रसाद दूसरी बार यहां से जीते। इस सीट पर अब तक सिर्फ 7 चुनाव हुए, जिनमें से 3 बार कांग्रेस, 2 बार जेडीयू और 1-1 बार जन क्रांति दल और निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुके हैं। आज तक बीजेपी इस सीट से चुनाव नहीं जीत चुकी। आखिरी बार कांग्रेस भी 1962 में यहां से जीती थी, यानी लंबा इतिहास हो गया है। इस सीट पर सबसे बड़ी भूमिका में यादव वोटर, यहां 1985 में सबसे ज्यादा वोट डाले गए थे, तब 78.88% मतदान हुआ था। वहीं 1951 के पहले विधानसभा चुनाव में यहां 33.24% वोट डाले गए थे, यानी सबसे कम मतदान 1951 में हुआ था। यहां पर हमने आपको बताया बिहार की उन सीटों के बारे में जहां चुनाव का अंतर बहुत नजदीकी रहा है और पहले चरण में जिन सीटों पर जातीय समीकरण बहुत मजबूती से अपनी भूमिका निभाता है। बिहार का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, सभी में जातियों का विशेष महत्व है। तभी तो दो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अभी तक बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में ही लगी हुई है। बीजेपी पूरे देश में नंबर एक पार्टी है, लेकिन बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी नीतीश कुमार को ही आगे रखकर चुनाव लड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जातीय राजनीति कितनी ज्यादा हावी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री।